हसन आटोज। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारे पास CNG रिक्शे दस्तयाब हैं, लोडर रिक्शे दस्तयाब हैं, चिंगची रिक्शे होलसेल रेट पर दस्तयाब हैं, हसन आटोज पर रिक्शे किस्तों पर दस्तयाब हैं और कैश पर भी रिक्शे दस्तयाब हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा YouTube चैनल हसन आटोज गुजरावाला को सब्सक्राइब करें। प्रोप्राइटर अली हसन बूटा, राबता नंबर 03187743663, एड्रेस नज़्द कुनगिनी वाला खोखे वाला स्टाफ गुजरावाला। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज आपका दोस्त हसन, हसन आटो वाला, आज आपके लिए हम लेके आए 2024 मॉडल HD हैवी ड्यूटी। ये देख लें, 6HD बड़े शाखों वाला, बड़े टायर वाला। आज हम इसकी वीडियो बनाएंगे मुकम्मल तफसील के साथ। जी दोस्तों, जैसे कि हसन भाई ने आपको बताया HD 2024 मॉडल के बारे में, तो अच्छा मेरे दोस्तों, अभी आपको मैं आगाह करता चलूं और इसके फीचर के बारे में बताता चलूं, तो मेरे भाई अगर आपको दिखा सकते हैं तो यहां से हम शुरू करते हैं। जी सबसे पहले अगर मेरे भाई आपको टायर दिखा सकते हैं, ये 12 ply टायर है, ठीक है ना। पहले इसमें 10 ply टायर आते थे, अब कंपनी वाले 12 ply टायर भेज रहे हैं। इसलिए 12 ply टायर भेज रहे हैं ताकि रोड ख़राब हो, जगह ठीक ना हो, ऊपर नीचे जगह हो, जैसे भी हो, ये टायर इंशाल्लाह आपके चलेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। उसके और इसका जो रिम कड़ा है ये भी डबल है। पहले सिंगल रिम कड़ा होता था, अब डबल रिम कड़ा इन्होंने डाला हुआ है ताकि रिम जो है ना फटे। और उसके बाद जो आप ये देख सकते हैं, ये आगे की जो ब्रेक है, इसमें आगे वाली ब्रेक भी है, ठीक है। और दूसरा अगर आप दिखाते चले, ये शाख आप अगर दिखा सकते हैं, ये शाख डबल शाख आए हैं, जैसे कि लोडर को आते थे पहले शाख, डबल शाख है, स्प्रिंग भी है ऊपर, शाख भी डबल है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप इस साइड में बैरन इसके देख सकते हैं, इसको लोडर वाले बैरन उन्होंने डाले हैं। एक्सल भी बैरन जो एक्सल जो है ये भी लोडर का है और बैरन भी लोडर के ही है। तो इसके बाद अगर आपको मैं नेक्स्ट दिखाता चलो, इसका आपको नोज में आपको दिखा दूँ, ये इसमें इतनी लचक है कि ये टूटेगा नहीं। पहले वाले जो थे ना वो टूट जाते थे, इसको आप जितना मर्जी नीचे करें ऊपर करें ये टूटेगा नहीं, इसमें लचक है एक। और दूसरा अगर आप इसकी मैं फ्रंट की बात करूं, तो स्क्रीन जो है, पहले स्क्रीनों की बहुत ज़्यादा कंप्लेन आया करती थी कि भाई स्क्रीन फट जाती है या फूल जाती है या इसमें दराज आ जाता है, मगर इस तरह की कोई बात नहीं। अगर आप ये स्क्रीन देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त स्क्रीन उन्होंने बनाई है एक। और दूसरा अगर मैं आपको बताता चलूँ, इसके अंदर के जो फीचर्स हैं, ठीक है ना, ये आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, इसमें चेंजिंग वो लेके आए हैं। और दूसरा जो मेरे भाई, अगर आप स्टेयरिंग दिखा सकते हैं, ये स्टेयरिंग भी बिल्कुल लोडर वाला स्टेयरिंग उन्होंने लगाया हुआ है ताकि इसमें स्टेयरिंग जो है ना फ्री ना हो सके जल्दी, ठीक है ना। इसमें के अंदर जो कप गोलियाँ वगैरह होती हैं वो ना टूटे, ज़बरदस्त स्टेयरिंग इन्होंने बनाया हुआ है। डैशबोर्ड भी बहुत ही आला शानदार बनाया हुआ है। उसके बाद मेरा भाई अगर आप दिखा सकते हैं, ये रेडिएटर जो है, ये बिल्कुल कार वाला रेडिएटर उसने इसमें लगाया हुआ है उन्होंने, ताकि जो है ना गाड़ी गर्म ना हो, हीट अप ना हो ज़्यादा। इसमें आप पानी डालें, वो पीछे इसके कैन भी हैं, ये कैन में पानी स्टोर होता है, ठीक है ना। उसके बाद रेडिएटर को जाता है, रेडिएटर इसका आगे लगा हुआ है। और उसके बाद अगर मैं आपको बताता चलूँ, ये जो इसकी रिवर्स गेयरबक्स है वो भी इसमें लगा हुआ है कि गाड़ी आपकी रिवर्स भी जा सकती है। आप इसको पीछे खींचेंगे ना तो ये सारे गियर पीछे की लगेंगे, 4 के 4 गियर पीछे ही लगेंगे, आगे करेंगे तो सारे गियर आगे ही लगेंगे। उसके बाद आप आ जाएं, इसमें कार वाली हैंड ब्रेक लगी हुई है, ठीक है ना। ये इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम किया हुआ हैंड ब्रेक वाला। उसके बाद आप आ जाएं इंजन की तरफ से, ये इसका इंजन है और इंजन इन्होंने ओपन ही रखा हुआ है ताकि हीटअप ना हो। उसके बाद इंजन जो है ना गर्म ना हो ज़्यादा, और इसको पानी की सप्लाई भी जा रही है, ये पानी का पाइप लगा हुआ है, ठीक है, जैसे बड़ी गाड़ियों को लगा होता है। उसके बाद इसका जो है करंट पॉइंट वो भी इसमें लगा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आगे मैं आपको अंदर से इसका विजिट करवाता हूँ। तो ये मेरा भाई, अगर आप अंदर से देख सकते हैं, पहले काफ़ी कस्टमर कहते होते थे कि भाई हमारे पाँव जो है ना, सवारियों के पाँव इसके साथ लग जाते हैं, इसकी जो है ना चुड़ाई कम है, तो अभी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें चुड़ाई डाल दी है।
ताकि सवारियों को बैठने के लिए कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ना जगह छोड़ दी हुई है पाँव रखने के लिए। आप इसके साथ छोटी एक और सीट में एडजस्ट कर सकते हैं इधर। हाँ जी ठीक है। फिर भी आपके पाँव इंशाल्लाह नहीं लगेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आगे अगर मैं आपको आगे बताता हूँ, इसके जो पीछे वाले टायर है वो भी 12 प्लाई के टायर है। ठीक है ना। और उसने जो ये जो उन्होंने डाला हुआ है एक्सल, ये भी बड़े वाला एक्सल डाला, पिकअप वाला एक्सल डाला हुआ ताकि इसके ऊपर जितना भी वजन आए ये इसको बर्दाश्त कर सके। और पीछे मेरा भाई अगर आप दिखा सके तो ये कमानी है। ठीक है ना। कमानियाँ आप दिखा रहे हैं ना, तो ये कमानियों के साथ ऊपर स्प्रिंग भी लगे हुए हैं ताकि गाड़ी के ऊपर वजन आए तो गाड़ी मेंटेन कर सके। ठीक है। अभी आप पीछे आ जाए, मैं आपको दिखाता चलूँ। ये जो पायदान है, पहले काफ़ी ज़्यादा जो है ना सवारियों की कंप्लेन आती थी कि भाई हम ऐसा ऊपर नहीं चढ़ सकते और ना ही उतर सकते हैं, नीचे उतरने और चढ़ने में जो है ना हमें दुश्वारी होती है। तो कंपनी ने इसके लिए पायदान बनाया हुआ है सवारियों की सहूलत के लिए, ताकि वो आसानी से चढ़ सकें और उतर सकें। यह पायदान बहुत ही ज़बरदस्त पायदान कंपनी की तरफ से पीछे से लग के ही आता है। ठीक हो गया। अभी मैं आपको अंदर से टिकट करवाता हूँ इसका पीछे से। अंदर से पीछे ये राड उन्होंने लगाया हुआ है सेफ्टी के लिए ताकि सवारियाँ भी जो है इसको हाथ डाल सके, ये भी हाथ डालने के लिए, और दूसरा वो बॉडी को मेंटेन करता है ताकि बॉडी जो है ना खिलर ना जाए। हाँ हिलजुल ना करे। बाद में कंप्लेन आती थी बॉडी के, हमारी बॉडी यहाँ से टूट गई वहाँ से टूट गई। अब उन्होंने एक जगड़ बंद लगाया हुआ है ताकि वो बॉडी को जगड़ के रखे। ठीक है ना। जैसे मैंने टायरों का बताया, आपने टायर पहले दिखा दी है। और दूसरा अब आई इसमें जो इन्होंने ये एक सिस्टम लगाया हुआ है किक का। खुदा ना खासा सुबह आप उठते हैं, बैटरी आपकी डेड होती है, स्टार्ट नहीं होती गाड़ी, टाइम लेती है, तो आपने बिल्कुल ही मोटरसाइकिल की तरह किक लगानी है और ये गाड़ी स्टार्ट। सेम मोटरसाइकिल की तरह। सेम मोटरसाइकिल की तरह। और इसकी ब्रेक, और इसकी जो ब्रेक का मैं आपको बताता चलूँ, ये ब्रेक इन्होंने काफ़ी ही डिफ़िकल्ट ब्रेक इसमें लगाई हुई है। जैसे कि बड़ा लोडर होता है ना 250 cc जो 2 टन वजन लेके जाता है, उसकी ब्रेक जो है ना इन्होंने अब रक्षे में लगाई हुई है HD मॉडल 2024 में। तो इंशाल्लाह ये जो गाड़ी है इंशाल्लाह जब मार्केट में आएगी तो लोग इंशाल्लाह कहेंगे कि वाकई क्या ही शाकार आया हुआ है और क्या ही खूबसूरत चीज़। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसको नंबर लग रहा है। सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी बात ये कि ज़्यादातर लोगों को ये इशू होता है कि यार हम रोड पे ट्रैवलिंग करते हैं, मोटरवे वाले, हाईवे वाले, पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले हमें रोकते हैं, चलान करते हैं या हमारी गाड़ी बंद करते हैं कि भैया आपका नंबर नहीं लगा हुआ। तो अब उसकी टेंशन बिल्कुल ही ख़त्म होगी, घबराने की ज़रूरत ही नहीं। इसको नंबर भी अवेलेबल है, इसको नंबर लग रहा है, नंबर प्लेट सारा आ रही है। और जो दूसरी चीज़ें ये है सवारियों के लिए, इसकी हिलजुल भी बहुत ज़्यादा कम है, यह वजनी गाड़ी है, सवारियाँ भी कंफर्टेबल रहती हैं और ड्राइवर भी कंफर्टेबल रहता है। तो आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बेल आइकन को दबाते चलें। अल्लाह जी गाइस, कुछ लोग पूछे हमसे कि गाड़ी के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। आज हम आपको बताएंगे गाड़ी के अंदर क्या क्या आता है। जैसे कि आप मेरे ये देख सकते हैं पीछे ये टोल गेट बना हुआ है। ठीक है ना। इसके अंदर ये एक है कि ये स्टपनी एक्स्ट्रा टायर इसको कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद ये पाना है जो व्हील खोलने के लिए। ठीक है। और दूसरी जो चीज़ें हैं ना वो इसमें हम बाद में रखते हैं जब हम कस्टमर को देते हैं, जैसे कि जैको हो गया, उसके बाद राड तो इसमें पड़ा है, पाना हो गया, उसके बाद टूल किट होती है छोटी, वो चीज़ें हम तब देते हैं जब हम कस्टमर को गाड़ी दे दें। क्लेम बुक भी साथ होती है। क्लेम बुक हो गई। और उसके बाद आगे आई मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, बड़ा मज़ेदार की चीज़ है ये जो स्पीकर है, इसका रिमोट भी जब कस्टमर गाड़ी हमसे लेता है तो इसका रिमोट देते हैं। इसमें मेमोरी कार्ड भी लग जाता है, USB का भी ऑप्शन इसमें बना हुआ है, USB भी लग सकती है, और इसको आप ब्लूटूथ भी कर सकते हैं, ये डिवाइस उतार कर दूसरी डिवाइस लगा सकते हैं। और बाकी ये काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता कि ये किस लिए लगा हुआ है। ये इसलिए लगा हुआ है कि यहाँ पर LCD भी आप लगा सकते हैं। LCD की जो केबलें हैं ना वो यहाँ पर आप वायरिंग है, मेरे नीचे वायरिंग आप दिखा सकते हैं, ये वायरिंग है, यहाँ से वायरिंग करके ये वायरिंग की तार निकली हुई, यहाँ पर आप स्क्रीन वो लगवा सकते हैं LCD छोटी जो होती है, LCD लगवा के आप जो और उसके बाद हम ये साथ मैट भी देते हैं इसके, ये वाले मैट जो होते हैं ना इसके ऊपर,
ये भी देते हैं हम मैट मुकम्मल, इसका भी होता है मैट, इसका भी मैट होता है और इसका भी मैट होता है, हम मुकम्मल सामान देते हैं गाड़ी के साथ। ये पूरे गुजरांवाला में कोई भी ऐसे करता है जिस तरह जहाज ऑटो या हसन ऑटो करते हैं। HD मॉडल हैवी ड्यूटी।